बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो अब हम आज बात करते हैं पृथक्करण की विधियों के अगले पार्ट के बारे में। कल हमने बात की थी पृथक्करण की जो पदार्थों को अलग करने की कुछ विधियां थी, जैसे कि हस्तचलन, थ्रेसिंग, चालन और निष्पासन। आज हम बात करते हैं निस्तारण, निष्पदन, निष्यंदन और वाष्पन विधियों के बारे में। अब अवसादन एक वर्ड आता है यहाँ पर। अवसादन का मतलब होता है, आपने घरों में देखा होगा, अगर आपके पानी में, आपका फॉर एग्जाम्पल पानी की बाल्टी है आपके पास में, पानी की बाल्टी में क्या हुआ, आपका पानी रखा हुआ है। अब इसमें गलती से क्या होता है कि आपसे इसके अंदर मिट्टी चली जाती है। आपकी गलती से इसके अंदर मिट्टी चली गई। अब इसके अंदर मिट्टी यहाँ पर घुली हुई है, तो आप क्या करोगे, इस मिट्टी को निकालने की कोशिश करोगे। अब अगर आप ऐसे ही निकालोगे तो ये मिट्टी नहीं निकलेगी। अब आप क्या करोगे, आप कुछ देर के लिए इस बर्तन को ऐसे ही रखा रहने दोगे, इसको हाथ नहीं लगाओगे, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे, ये बर्तन ऐसे ही रखा रहेगा। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, मिट्टी के जो कण है वो नीचे चले जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और जो आपका साफ पानी है वो क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा, और ये क्या होगा, ये एक तरीके से अलग हो जाएगा। अब जो ये चीज होती है, ये पानी, ये मिट्टी को, मिट्टी या रेत के कण जो होते हैं उनका नीचे बैठना, पानी का साफ पानी का ऊपर आना, उसको हम बोलते हैं अवसादन। इस पराक्रम को, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अवसादन। कि जो भारी अवयव होते हैं, जो भारी पदार्थ होते हैं, जल में मिल जाए, अगर जल में घुल जाए, भारी पदार्थ नीचे बैठ जाना उनका, उसको हम बोलते हैं अवसादन। और इस अवसादन, जब हमारा हो गया, अवसादन की प्रक्रिया हो गई, तो हम क्या करेंगे, एक नए बर्तन के अंदर, कोई हमारे पास नया बर्तन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ये साफ जल है उसको उड़ेल देंगे। अब हमारे पास क्या होगा, जो नया बर्तन है उसके अंदर साफ जल आ जाएगा, और जो मिट्टी के कण है, रेत के कण है, जो अघुलनशील है, जो भारी कण है, वो क्या होंगे, वो हमारे पुराने बर्तन के अंदर ही आ जाएंगे। अब इस विधि को, इस पानी से इसको अलग करने को क्या बोलेंगे हम, निस्तारण। उसको क्या बोलेंगे, निस्तारण विधि। निस्तारण आपको समझ आ गया। निस्तारण के बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, निस्यंदन के बारे में। अब निस्यंदन क्या होता है, अब निस्यंदन को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने चाय आपने बनाई, गर्म चाय बनाई। अब गर्म चाय में क्या किया आपने, देखिए गर्म चाय का एक ये तरीका भी है उससे चाय अलग करने का। क्या हुआ, आपके आपके जो आपका पतीला जो होता है, चाय का कंटेनर है, उसके अंदर आपने गर्म चाय बनाई, और उसके अंदर क्या थी, चाय के अंदर थी चाय पत्तियां। अब चाय पत्तियां अगर आपने कुछ देर रख दिया तो वो क्या होगी, वो नीचे बैठ जाएगी चाय पत्तियां, ठीक है। अब चाय पत्तियां नीचे बैठ गई। अब अगर आप कोशिश करोगे कि ये हो गया आपका, क्या कौन सी प्रक्रिया हुई है, चाय पत्ती का नीचे बैठ जाना, अवसादन। अब इस अवसादन जब हो गया आपका, अवसादन के बाद अब आप इसका निस्तारण करने की सोचेंगे तो हो जाएगा निस्तारण, कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम, मुसीबत नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी आपको। लेकिन होगा क्या, इतने अच्छे से, जितने अच्छे से रेत वगैरह के कण नीचे बैठ करके पानी, साफ पानी अलग हुआ था, वो बात नहीं बनेगी, तो वो बात नहीं बनेगी। अब अगर आपको अच्छा काम, सही काम करना है, अच्छे तरीके से काम करना है, तो आप क्या यूज करोगे, चाय को, चाय में से पत्ती अलग करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, छलनी। तो आप यूज करोगे चाय छलनी। अब ये चाय छलनी है, इसके अंदर आपने चाय को उड़ेला और आपके कप में आपने क्या किया, पीने के लिए आपने चाय ले ली। अब चाय छलनी से छनकर जो चाय आई है, इन महीन कण, जो महीन कण थे चाय की छलनी में महीन महीन छिद्र थे, उनमें से क्या हुआ, पानी, चाय एक तरीका का तरल पदार्थ है, उसमें से पानी जो था वो नीचे आ गया, और जो चाय पत्ती के कण थे वो क्या हुए, चाय पत्ती के कण अपनी चाय छलनी में रह गए और हमने उनको अलग कर दिया। अब इस विधि को बोलते हैं निस्यंदन विधि, फिल्टर करना। आपके घरों में जो पानी के फिल्टर लगे होते हैं वो भी इसी विधि पे काम करते हैं, इन विधियों को बोलते हैं फिल्टर करना, निस्यंदन विधि। अब निस्यंदन विधि का आपको समझ आ गया होगा अच्छे से,
चाय में से चाय से चाय पत्ती अलग करना, आपके पानी को साफ करना जो आपके घरों में फिल्टर लगे होते हैं, या कुछ कुछ एक और उदाहरण है जो आप अपने आसपास के देख सकते हैं और उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगली है जो आपका वो है वाष्पन विधि। अब वाष्पन विधि में क्या होता है बच्चों, वाष्पन विधि में होता है आपने आप जंगल आप समंदर के किनारे नहीं गए, लेकिन अगर आप एक क्या कीजिए, एक बर्तन में आप पानी लीजिए। अब उस बर्तन में पानी लेने के बाद आप उसके अंदर जल उसके अंदर नमक घोल लीजिए, क्या कीजिए नमक घोल लीजिए। अब उसके अंदर आपने क्या किया, जो था नमक उसके अंदर पानी के अंदर नमक मिला लिया। अब पानी के अंदर नमक मिलाने के बाद थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको उसका जो मिश्रण है जो पानी का और आपके नमक का जो मिश्रण है उसको अगर आप स्टोव या अपनी गैस पर गर्म करेंगे तो गर्म करते रहिए उसको, पूरा गर्म करते रहिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा, पानी वाष्प बनना स्टार्ट कर देगा, वाष्प बनना शुरू कर देगा और वो ऊपर जाता रहेगा। अब जैसे जैसे पानी ऊपर जाता रहेगा उसका वाष्पीकरण होता रहेगा, वाष्पीकरण होता रहेगा, धीरे धीरे पानी क्या होगा, पानी समाप्त होने लगेगा। पानी जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो आप क्या देखोगे, आप क्या देखोगे नीचे, क्या आपके पास में नीचे क्या बच गया है, आपके नीचे रह गया है सिर्फ नमक। अब इस विधि को पानी से वापस नमक अलग करना, इस विधि को बोलते हैं वाष्पन विधि। वाष्पन विधि जो समुद्रों के किनारे होते हैं, समुद्रों के किनारे जब नमक बनाया जाता, नमक निकाला जाता है समुद्रों से, वो इसी विधि के द्वारा निकाला जाता है। क्या होता है कि पानी में बहुत सारे लवण होते हैं और उनमें से ही एक लवण होता है नमक। अब देखिए आप चित्र में देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, ये जो चित्र में है नमक के जो ये जो आपके गड्ढे बने हुए हैं इनके अंदर क्या होता है, समुद्र से पानी निकाल के छोड़ दिया जाता है। अब उन गड्ढों से फिर होता क्या है, उन गड्ढों से पानी होता है वाष्प बन जाता है। सूर्य की गर्मी के कारण पानी क्या हो जाता है, वाष्प बन जाता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है, वो ऊपर चला जाता है। पानी सारा क्या होता है ऊपर चला गया, अब जो नीचे बचा तली में बचा रह गया वो होता है नमक, क्योंकि समुद्र के जल से नमक इसलिए निकालते क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नमक होता है। समुद्र का जल खारा होता है ये आपने सुना होगा, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, नमक होता है। इस विधि के द्वारा, वाष्पन विधि के द्वारा इस तरीके से गड्ढे बनाकर उसके अंदर पानी डालना और फिर उसका वाष्पीकरण होना पानी का, उसके नीचे नमक बनना, इस विधि को हम बोलते हैं वाष्पन विधि। कल हमने कुछ विधियां पढ़ी थी, आज कुछ विधियां पढ़ी हैं। इनके अलावा जो भी विधियां होंगी अगर पृथक्करण की, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे आगे, लेकिन अभी तक आप ये यही है आपके सिलेबस में। और इनके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो आप एक विधि से आप अगर काम न चले तो आप दोनों विधियों को, किन्हीं भी दो विधियों को निकाल करके, दो विधियों को मिला करके कोई भी फिर पदार्थों को अलग कर सकते हैं। अब वाष्पीकरण हमने पढ़ा था, वाष्पन हमने पढ़ा था, वाष्पन में क्या हुआ था, पानी क्या हुआ था, पानी चला गया था आपका ऊपर और रह गया था नमक। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास में ये एक बर्तन है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर क्या है, पानी है और इसके अंदर नमक है। अब पानी और नमक घुला हुआ है इस एक ही बर्तन के अंदर, और आपसे मैं कहूं कि मुझे क्या चाहिए है, मुझे पानी भी चाहिए है, नमक भी चाहिए, लेकिन अलग अलग। अब उस विधि को आप कैसे करेंगे, वो चीजें आप कैसे करेंगे ये देखिए एक बार। अब हुआ क्या, आप इसके नीचे क्या करोगे, आप इसके नीचे आपकी गैस या स्टोव लगाओगे, इसको गर्म करोगे। अब गर्म करने के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, पानी का वाष्पीकरण हुआ, पानी हवा में ऊपर उड़ा, पानी के भाप बनी, पानी ऊपर उड़ा। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पर एक बर्तन लीजिए, या आप एक प्लेट थाली या कुछ लीजिए, एक बर्तन लीजिए और उस बर्तन के अंदर आप बर्फ के टुकड़े रख लीजिए, ये हो गया आपका बर्फ। अब बर्फ के टुकड़े रखने के बाद होगा क्या, जो ये वाष्पीकृत कण है, जो आपके पानी के जो वाष्प हैं, वो क्या होंगे, बर्फ पर जब टकराएंगे वो बर्फ के बर्तन से, जो ठंडा बर्तन है उससे, उनका क्या होगा, उसको बोलते हैं संघनन। उसको क्या बोलते हैं, मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, संघनन होता है जब जब पानी वाष्प होता है, जैसे ये वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण से दोबारा उसका द्रव बनना। ये गैस है, उसका गैस की फॉर्म में है ये, उसका वापस से द्रव की फॉर्म में आना, तरल में आना वापस। ये पानी था, भाप था, भाप से वापस पानी बनना क्या होता है उसका, उसको बोलते हैं संघनन।
संघनन, अब इसका क्या हो जाएगा, हो गया संघनन हो गया, और अब ये जो वाष्प थे वो पानी की छोटी छोटी बूंदे हो जाएंगी, और ये बूंदे क्या होंगे, नीचे गिरेंगी। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसको एक नए बर्तन के अंदर रिजर्व कर लेंगे और इसको स्टोर कर लेंगे। अब हमारे पास में इस बर्तन में क्या आ गया, हमारा पानी, और जब ये पूरा इसका वाष्पीकरण हो जाएगा पूरे पानी का, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, नमक। तो अब आपने क्या किया, आपने पानी को और नमक को दोनों को अलग अलग कर लिया, और इस बार पानी भी आपके पास है, पानी वाष्प बन के ऊपर नहीं उड़ा। तो कुछ इस तरीके से ये भी विधियां होती हैं कि आपको दो तीन विधियों को मिला करके चीजों को अलग अलग करना होता है। अगर हम पानी के अंदर नमक, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर हम पानी के अंदर नमक घोलें, हमने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर हमने आधा गिलास पानी लिया, हमने उसके अंदर आपने एक चम्मच नमक डाला, घोल दिया, वो घुल जाएगा उसके अंदर, दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच, मतलब डालते गए आप। एक समय ऐसा आएगा, एक समय क्या आएगा कि जब नमक क्या होगा, नमक उसकी तली में बैठना, पानी के जो पानी का गिलास है उसकी तली में बैठना स्टार्ट कर देगा, उस समय उसके अंदर क्या होगा, और नमक नहीं घुल सकता। मतलब के अब क्या हो गया, वो जो घुलनशील था नमक, अब वो अघुलनशील हो गया है, लेकिन नमक है उसमें, नमक घुला हुआ है। पानी की वो अवस्था जिसमें हम नमक को एक नमक की लिमिट, एक मात्रा से ज्यादा ना घुल सके, उसको वो उस विलयन को बोलते हैं, उनके मिश्रण को बोलते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, अब इसमें आपके पृथक्करण की विधियां जितनी सारी थी वो मैंने कल और आपके आज के लेक्चर में आपके कवर कर लिया है। इसके अलावा इसमें आपका कोई और विधि नहीं है। इन विधियों को एक बार दो बार पढ़िए, जो चीजें समझ ना आए हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आपको उत्तर देंगे। इसके अलावा आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम अगले पार्ट में आपके, तब तक घर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।